एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक कोरियन पाउडर। तो ये जो कोरियन पाउडर है ये पॉन्ड्स कंपनी की है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस पाउडर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि ये जो पाउडर है ये हमारे स्किन को कोरियन ग्लो प्रोवाइड करने वाली है, जिससे कोरियन की लड़कियों के चेहरे चमकते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही ये जो पाउडर है इसे यूज़ करने के बाद हमारी भी जो स्किन है वो ग्लो करने वाली है। तो जल्दी से मैं ये वाली पाउडर आपसे शेयर करती हूँ एंड इसके बारे में आपको बताती हूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पाउडर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये है एक पॉन्ड्स 3D हाया कोरियन ग्लो ट्रांसलूसेंट फेसियल पाउडर। और इसके जितने भी डिटेल्स हैं वो किसी दूसरे लैंग्वेज में दिए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मुझे तो नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है। अगर आपको पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कौन सी लैंग्वेज है। तो अब बात करते हैं इसके क्वान्टिटी एंड प्राइस के बारे में। तो इसकी जो MRP यहाँ मेंशन की गई है वो है 699 रुपीज़। ऑनलाइन हम इसे कितने में परचेस कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसे कैसे यूज़ करना है और इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि सारे दूसरे लैंग्वेज में, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया। क्या ये सिर्फ एक पाउडर हमें कोरियन ग्लो प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी कंपनीज़ हैं और उनके क्लेम्स तो इतने सारे हैं, बट हाँ रिज़ल्ट जो है वो इतू से है। तो अब हम इसे करते हैं यूज़ एंड देखते हैं कि इसके जो रिज़ल्ट है वो कैसे हैं। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में और करते हैं इस पाउडर को यूज़। बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो ये ऑरेंज हाथ आपको दिख रहे हैं उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाया था इसलिए वो वैसे हो गए। और अब बात करते हैं इस पाउडर के बारे में। तो इस पाउडर को मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ परचेस किया था और इसके रिज़ल्ट मुझे कैसे लगे वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। तो ये जो पाउडर है इसके ऐसे क्लेम है कि जैसे कोरियन लड़कियों की स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, वैसे ही ये पाउडर हमारी स्किन को भी वैसे ही ग्लोइंग बनाने वाली है। तो वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि इस पाउडर को पूरे अच्छे से स्किन में मिक्स कर देने से, ब्लेंड कर देने से कैसा रिज़ल्ट आता है। तो अब करते हैं इसे ब्लेंड और देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट है। तो ये जो नेचुरल लाइट में तो मुझे इसके कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखे, मुझे थोड़ी सी भी ग्लो या फिर कुछ सिमरी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने फिर सोचा कि इसे क्यों ना आर्टिफिशियल लाइट में भी ट्राई किया जाए। तो मैंने इसे फिर आर्टिफिशियल लाइट में भी ट्राई किया है, वो अभी आप आगे देख पाओगे, क्योंकि इसमें तो कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखा, किसी भी तरह की ग्लो सिमरी कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने इसे आर्टिफिशियल लाइट में भी ट्राई किया, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी उतनी ही पाउडर ली जितनी मैंने बाहर ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड किया और इसके जो रिज़ल्ट थे वो मुझे थोड़े बहुत तो समझ में आ रहे थे कि थोड़ी तो इसमें सिमरी पार्टिकल्स है जो कि ग्लो कर रही हैं। तो ये जो ग्लो है या फिर कह लो कि ये जो सिमर है वो किसी भी तरह से कोरियन वाली तो बिल्कुल नहीं है। जैसे उनकी स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखती है और ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिख रही थी, सामने से भी नेचुरल नहीं दिख रही थी, लग रहा था इसे स्पार्कल अलग से मैंने लगा लिया हो वैसी ही दिख रही थी। तो ये वाली पाउडर तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और अच्छी भी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड अगर यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरह के न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखने के लिए एंड कंपैरिजन वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।